हे गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है मेरा फिर से इस व्लॉग में। तो अभी निकले थोड़ा टहलने के लिए, शाम का समय है, शाम को 6:30 बजे बस इवनिंग वॉक के लिए निकले। थोड़ा बहुत 5 मिनट थोड़ा टहलेंगे, देखते कहाँ जाते कहाँ जाते हैं, मिलते कुछ लोगों से मैंने, फिर देखते कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो बस चलते हैं थोड़ा आंटी की दुकान तक, देखते चाय पियेंगे थोड़ा सा, थोड़ा चाय पियेंगे, आपसे बातें करेंगे, फिर थोड़ा 5 मिनट टहलेंगे, देखता कुछ दिखाने मिले नया था तो दिखाते आपको। तो आज मैं एक्चुअली में गया नहीं ड्यूटी, आज थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी तो गया नहीं मैं, और मन भी नहीं करता जाने का। एक्चुअली में क्या पेट और सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे, तो सुबह से एक्चुअली मौसम बदल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से सब दिक्कतें हो रही हैं धीरे धीरे। चलिए चलते चाय पीने के लिए, चाय पीते फिर आपसे मिलते हैं, आपको आज आके चाय दिखाते कैसी चाय बनती है यहाँ पे। नॉर्मली चाय दुकान टाइप की छोटी सी, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, लेकिन चाय अच्छी मिलती है, बस 5 मिनट चाय अच्छी मिल जाएगी आपको। तो चलते हैं चाय पीते हैं चल के, ठीक है। ये आ गए हैं, देखिए इनको, ए ये मेरे दोस्त हैं, जब मैं अकेला मैं कहता इनके पास आता हूँ तो इनसे थोड़ा मिलता हूँ, अच्छा मुझे काफ़ी क्यूट है। सब हैं आप, चलो थोड़ा चाय पीते हैं, देखते हैं चाय पीते फिर आप बैठ के बातें करेंगे। तो अपनी चाय तो मिल गई हम लोग को, चाय पीते हैं, चाय मज़ा लेते हैं, थोड़ा व्यू का मज़ा लेते हैं। इलायची है, लौंग है, अदरक है, और दूध अच्छा है, उबली भी अच्छी है, रंग भी इसका अच्छा ही, आप देख सकते हैं कि रंग देखिए, आप लोग रंग इसका रंग भी अच्छा ही है इसका। 5 रुपये की चाय है, 5 ml ठीक ही है, बजट में है, ठीक है 5 रुपये की दिक्कत नहीं है, 5 रुपये में, 5 रुपये में और क्या चाहिए आपको, इससे चाय मिल जाए आपको 5 रुपये में और कर लेंगे आप। तो बस चाय खत्म करते मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये आ गए फिर से, देखो क्या बात है बसंती, क्या बात है, मिस कर देती, हाँ क्या बात है, और तुम जग्गू तुम बताओ, तुमने कुछ बोलोगे। तो बस थोड़ा टहलते हैं, देखते हैं पार्क में, थोड़ा टहल रहे हैं आके पार्क में, बच्चे मैच खेल रहे हैं मस्त एकदम ग्राउंड में, देखो इधर मेरे पीछे बच्चे सब गेम मैच खेल रहे हैं। फिर मैं इवनिंग को हम थोड़ा इवनिंग वॉक करते हैं, सही है इवनिंग वॉक, झूला आज हम झूला झूलेंगे, झूला किस तरीके से झूला झूला बताना, ठीक है ना भाई, बहुत टाइम हो गया इसके झूले में, आज बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद बोल सकते थे आप झूलने मौका मिला है मुझे, मस्त मज़ा आ रहा है। तो बस यही है लाइफ, हमारे डेली रूटीन इस समय, सुबह ड्यूटी जाना, दिन भर थोड़ा शाम तक सोना, फिर शाम को थोड़ा इवनिंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करने के बाद थोड़ा आके आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से मिलना, और क्या चाहिए लाइफ में, जितनी टेंशन लेगा इंसान उतना टेंशन बढ़ती जाएगी, इसीलिए टेंशन लेना मैंने बंद कर दिया है, सब मैंने ऊपर वाले भरोसे छोड़ दिया हुआ है, जो ऊपर जहाँ ले जाएगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ रखेंगे वहाँ से रखूँगा, बस थोड़ा झूला झूलना, इस समय तो मस्त लगा झूले में एकदम, क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो बस है इवनिंग वॉक चल रही है अपनी, कर रहे हैं देख रहे कहाँ जाते कहाँ जाते हैं, पीछे इसका अच्छा आ रहा ना, मस्त इसका ये चांद का पीछे चांद निकल आया है, मस्त
कभी कभी इंसान के बच्चा बन जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे थे तो ये सब समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता था उस समय जब बच्चे थे, और जब आज बच्चे नहीं हैं तो इन सब चीज़ों को मतलब मिस करते हैं, बहुत चीज़ों को झूले जैसे मिस करते हैं, ये सब आप देखो जो झूले मिस करते हैं, और भी झूले आपको दिखाता हूँ मैं, और झूले पार्क में देखे, मस्त मस्त झूले एकदम, लोग भी आते हैं यहाँ पे, अच्छी पार्क, छोटी सी पार्क है नॉर्मल सी, और घूमने के लिए भी ठीक है, टहलने के लिए भी ठीक है, एक्सरसाइज के लिए भी ठीक है, टहलने के लिए भी ठीक है। बादल आप जैसे देख सकते हैं, मुझे बादल खूब आ गए हैं इस समय, देखो जैसे साइड में बादल खूब आ गए, बादल हैं उस साइड, बादल खूब है इधर ऊपर ही, बादल बहुत अच्छा है, स्काई कलर आ रहा है इस समय। तो मैं कहता हूँ हाँ, इंसान को बच्चे बनना चाहिए कभी कभी, कभी कभी उसको भी ऐसे बच्चों हरकत करनी चाहिए, जितनी मेच्योरिटी आपके अंदर, जितना भी आप पैसे कमा लें, जितना भी आप सुकून मिल जाए आपको, लेकिन कुछ चीज़ों में सुकून आपको कभी नहीं मिल पाएगा। खुशियाँ देखिए, जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे खुशियाँ ख़त्म होती जाएंगी लाइफ में, क्या ना आप पैसे सब चीज़ खरीद सकते हैं लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते कभी भी, और ये वो सुकून है जो मैं इस समय देख ले रहा हूँ उसका आनंद। तो कभी कभी इंसान को अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, हमेशा फैमिली परिवार बच्चे बीवी माँ बाप इसमें इंसान फंसा जाता है हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको देखना गलत बात है, उनको भी देखिए आप, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बस सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या मांगते हैं, आपकी लाइफ में सुकून है, अगर वो सुकून आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरी माने कुछ दिन का ब्रेक ले लाइफ से, और अकेले किसी के साथ नहीं, ना बीवी ना बच्चे किसी के साथ नहीं, कुछ दिन के लिए अकेले हफ्ते भर या दो तीन दिन के लिए कहीं पे भी जाए, अकेले खुद जाए, और थोड़ा ऐसी जगह जाए जैसे हिल स्टेशन हो गया आपका, या कोई सेंचुरी हो गई, नेशनल सेंचुरी हो गई, या नेशनल पार्क हो गया, ऐसी जगह जाए आराम से इंजॉय करें लाइफ को, थोड़ा देखें या दोस्तों चिल मारें, तो सुकून इंसान को चाहिए होता है, कि इंसान बता नहीं, देखो आदमियों की क्या मेंटालिटी होती ना, बीवी बच्चे सब अच्छे हैं उसके लिए, माँ बाप अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं, इन आदमी की जो मेंटालिटी होती ना वो ये होती ना कि हमेशा इन सब चीज़ों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। पढ़ाई करता है बचपन में ठीक अच्छा है, माँ बाप का, माँ बाप पढ़ाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर बड़े होते ही फिर उनको माँ बाप कहते हैं नौकरी, बच्चा नौकरी में लग जाता है, नौकरी अगर अच्छी लग गई, सेटल हो गई अच्छे से, फिर शादी, शादी भी कर लेता है आदमी, शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, फिर उनमें तो वो सब चीज़ें वो अपनी लाइफ को जल्दी इन्जॉय नहीं कर पाता, जो लोग इन्जॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को उनके लिए ही यही है चीज़ें कि थोड़ा अपनी पहले लाइफ को इन्जॉय करें फिर कुछ चीज़ में जाए आगे। आपको जो अच्छा लगता है उसको मना करो, कहते मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं कर सकता, मुझे मेरी मर्जी मैं नहीं कर सकता, भाई तुम्हारी भी लाइफ है यार, तुम भी तो जियो अपनी लाइफ को। हाँ बस थोड़ा सुकून जरूरत पड़ती लाइफ में कभी कभी, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ऐसा है यार, फिर तो ज़िंदगी में हर्डल्स नहीं आएंगे, रुकावटी नहीं तब तक आपको मज़ा कहाँ आएगा, लाइफ खुद एक चैलेंज, लाइफ खुद एक गेम की तरह है, कि जब तक आप चल रहे हो ठीक है, आपकी आरपी ठीक है आप भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है, जैसे आपकी आरपी कम हुई तो आप भी थोड़ा लोड, जैसे आप लोड बढ़ा तो आपकी आरपी कम हुई, और लोड बढ़ने से ही आरपी कम होती है, तो इसलिए इस लोड को थोड़ा कम करने की कोशिश करो अपने अपनी लाइफ से। मैं कोई फिलोसफर या ज्ञानी वानी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझ पर जो बीतती है मैं वही बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं भी हर लड़के दर्द, हर मर्द का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि देखो बीवी माँ बाप जितना समझे समझ सकते, लेकिन क्या ना एक आदमी ही दूसरे आदमी दर्द समझ सकते, क्योंकि कितने दर्द से झेल रहा है, कितनी खुशी या कितनी सी टेंशन है, तो मेरे भाइयों आपसे यही रिक्वेस्ट है सिर्फ, क्या अपनी लाइफ को एंजॉय करो, एंजॉय करो तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, एंजॉय करने पे आपको ही सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा आपको तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे देख पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे बाद में, शाम हो गई है, टहल लेते थोड़ा सा, इवनिंग वॉक कर लेते हैं,
और फिर चलते हैं घर की तरफ। एक्चुअली में क्या है ना कि शाम पानी गिरने वाला है, मौसम हो गया पानी का पूरा पूरा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, नहीं भी करो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, किसी न किसी तो आप भी करोगे, अपनी पहचान किसी न किसी बनेगी, आप ही लोगों को बदलो तो बनेगी और किसी को बदलो बनेगी। तो मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो वीडियो देखते हैं मेरे या नहीं देखते हैं, जो नहीं देखते उनसे भी अनुरोध है, जो देखते हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मुझे बता दो कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे आज का आपका, या ये अच्छा नहीं लगा। तो मुझे भी थोड़ा अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी, कि मैं भी अभी नया नया आया हूँ यूट्यूब पर, कोई मैंने बहुत अच्छा कुछ करा नहीं है या कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस मैं भी अपने थोड़ा सोचा, मैंने भी एक दिन उठाया कैमरा, मैंने सोचा कि बस चालू करते हैं। इवनिंग वक्त पूरी होगी, बस हम लोग आज के लोग कहीं पैंड करते हैं, शाम हो गई काफ़ी, जाते हैं अब घर की तरफ, अब जाके देखते हैं घर की तरफ जाके। तो मिलते हैं आपसे फिर कल नए व्लॉग के साथ, नए फैशन के साथ, नई सुबह के साथ आपसे। गुड नाइट, लव यू, शुभ रात्रि, एंड हाँ प्लीज़ कीप लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट मी एंड वॉच माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तो बस मिलते हैं आपसे कल, लव यू, बाय, बिग पुची।